नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में गठबंधन पर ब्रेक, टूटा सपा बसपा का साथ। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। मायावती ने कहा कि बसपा विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ेगी। साथ ही यह भी कहा है कि अगर अखिलेश यादव अपने केडर को साथ लाने में सफल होते हैं तो गठबंधन बना रहेगा, नहीं तो अलग ही चलेंगे। मायावती ने साफ कहा कि उन्हें सपा का यादव वोट शिफ्ट नहीं हुआ। मायावती ने दी नसीहत, कहा सपा में बड़े सुधार की जरूरत। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि सपा में बड़े सुधार और बदलाव की जरूरत है। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तरफ से उन्हें बहुत सम्मान मिला, इसलिए अब परिवार से निजी रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। सियासी मजबूरियों की वजह से वह फिलहाल गठबंधन को अस्थायी तौर पर विराम दे रही है। अखिलेश ने भी दिया जवाब, बोले बसपा के फैसले का स्वागत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान के बाद कहा कि विधानसभा उपचुनाव में अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम भी अलग तैयारियां करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि अगर रास्ते अलग हैं तो स्वागत है और सबको बधाई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि गठबंधन पर पार्टी नेताओं से विचार विमर्श के बाद फैसला लेंगे। गर्मी से तप रहे दिल्ली एनसीआर के लिए राहत, हो सकती है बारिश। भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में आज धूल भरी आंधी चलेगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर भारत में आज से 7 जून तक धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। दुनिया के 15 सबसे गर्म स्थानों में से 10 भारत में। दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों में से 10 भारत के हैं। ये शहर हैं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, ग्वालियर, लखनऊ, बांदा, भोपाल, अकोला, बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान का चूरू और श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान है। यहाँ तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस और 48.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। इसके बाद पाकिस्तान के जैकोबाबाद का नंबर आता है, जहाँ तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान में सामने आई सीएम और डिप्टी सीएम की कलह। राजस्थान में कांग्रेस की भीतरी लड़ाई उस समय सामने आ गई जब सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी की प्रदेश कमेटी की चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को उनके बेटे वैभव गहलोत की हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। वहीं सचिन पायलट ने इस पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन गहलोत के इस बयान पर आश्चर्य जताया है। गहलोत ने कहा कि पायलट ने कहा था कि वैभव बड़े अंतर से जीतेगा। विदेश मंत्री जयशंकर को गुजरात में राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। भाजपा विदेश मंत्री एस जयशंकर को गुजरात से राज्यसभा भेज सकती है। स्मृति ईरानी और अमित शाह ने लोकसभा चुनाव जीता है, इसके बाद इन दोनों की राज्यसभा सीट गुजरात में खाली हो गई है। ऐसे में बीजेपी जयशंकर को इनमें से एक सीट से प्रत्याशी बना सकती है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से लोकसभा चुनाव जीता है, तो उनकी बिहार की राज्यसभा सीट भी खाली हो गई है। छोटी कारों पर मारुति सुजुकी दे रही है बड़ा डिस्काउंट। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की सेल में लगातार दूसरी बार गिरावट आई है। इसे देखते हुए मारुति ने कुछ खास कारों पर बड़े डिस्काउंट ऑफर किए हैं। कंपनी ऑल्टो पर इस महीने पर 48,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, जबकि ऑल्टो K10 और सेलेलियो पर 43 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा इको पर 18,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। साउथहैम्पटन में कल होगी टीम इंडिया की कड़ी परीक्षा। पोर्ट सिटी साउथहैम्पटन में मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम के प्रबंधन का दिमाग मौसम और पिच के बीच झूल रहा है। साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम के पिच बल्लेबाज के लिए मुफीद मानी जाती है, लेकिन यहां के मौसम ने टीम इंडिया को असमंजस में डाल दिया है। टीम इंडिया को कल यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप का अपना पहला मैच खेलना है। कल रिलीज हो रही है भारत कैटरीना की उड़ी नींद। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म भारत कल रिलीज हो रही है। इसको लेकर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट सेमी होने के साथ साथ उत्साहित भी है। इसी को लेकर कैटरीना कैफ ने कहा कि वह रात रात भर सो नहीं पा रही हैं। हालांकि वह फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। कैटरीना ने कहा कि वह फिल्म भारत को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने का इंतजार नहीं कर सकती। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।